हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर रोशन बोल रहा हूँ। अरे कुछ इंटर्न्स आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू करना है। हाँ हाँ मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा 9:30 बजे तक। उसके बाद जितने भी मरीजों को देखना है ना, उनका लिस्ट तैयार रखना, उनको आराम से बिठाओ। अनन्या प्लीज़ जल्दी से नाश्ता दो, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। अरे बाबा ये लो चाय। थैंक यू। ये रतन क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ जाएगा? कहाँ गया है? पेपर लेने तो गया है ना। यार टाइम क्यों लगा रहा है? साहब आज बहुत डांटेंगे, देर हो गई काफ़ी। ये पेपर वाले रोज रोज मुझे डांट के साहब ऑफिस ना निकल जाए। आप पता नहीं। अरे साहब यही आ गए, लाट साहब लहराते हुए। आज तो डांट सुनने को मिले। ये लो साहब। पेपर लाने में 1 घंटा लगता है क्या? वो साहब ठंडे तो ना रोशन, अब जल्दी से अपना फेवरेट कॉलम पढ़ो और निकलो यहाँ से। ओके हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, फेवरेट कॉलम। ये क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ साहब? क्या हुआ रोशन? अनन्या ये देखो क्या लिखा है मेरे बारे में। देखो बड़े दुख के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टर रोशन की 10 फरवरी को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। चीके रोड पर एक बड़ी लॉरी ने उन्हें कुचल दिया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर को 2 बजे पूरन घाट पर होगा। उनका दुखी परिवार। ओह माय गॉड रोशन, तुम्हारी मौत की खबर कहाँ से लाया सब? साहब टी-शर्ट छापा है साहब। मैं तो सिर्फ पेपर लाने गया था साहब, इसके बारे में नहीं। तो चुप कर और चुपचाप मुझे वहां लेकर चल जहां से लेकर आया। चल रोशन बैठ। कोशिश करो, पागल हो गए हो क्या? किसकी हिम्मत हो गई मजाक करने की? हाँ साहब तेरा बता, देखता हूँ मैं तेरा कौन। वो दुकान से गया था साहब। चल रोशन खरीदा। हाँ साहब रोशन प्लीज, देखो सब लोग देख रहे हैं, बवाल मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है मेरी मौत की खबर छापने की? हाँ भाई साहब कौन सी खबर, कैसी खबर की बात कर रहे हो आप? ये इस खबर की बात कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो? तू मेरा एक्सीडेंट कराएगा? तेरे पास हरा रंग का ट्रक आया कहाँ से? चल पागल हो क्या? समझने की कोशिश करो, वो गरीब आदमी कहाँ से खबर छुपा? देखता तू मुझे कैसे मरवाता है? शांत हो जा। कहाँ तेरा ट्रक? बुला तेरा ट्रक को। भाई साहब प्लीज। अरे मैडम ले जाइए, ये भाई साहब पागल हो गई क्या? कहाँ तेरा ट्रक? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बेटा कोई आम आदमी नहीं है। इस साल का सबसे बड़े बिजनेसमैन का अवार्ड उसे मिला है, और पार्टी ऐसी होनी चाहिए जैसी आज तक किसी ने देखी ना हो, समझ गए? अच्छा सुनो, तुम अपने पार्टी का इंतजाम करने वाले को मेरे घर भेज दो, मेरा बेटा उसे सब कुछ समझा देगा, ठीक है? ओके। अरे शामू, शामू कहाँ चला गया ये? कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर का नौकर हूँ, और कब से घंटी बज रही है, तुम लोग मुझको हिल नहीं रहा है। हिमांशु क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? अंकल आपने बताया भी नहीं, मैं कोई पराया थोड़ी ना। अंकल मैं भी तो आर्यन के दोस्त हूँ। अंकल मैं जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अंकल आर्यन की मौत हो गई, और ये बात मुझे अखबार से पता चल रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं अंकल मेरा कोई दिमाग नहीं खराब हुआ। ये देखिए इस अखबार में क्या छपा। बड़े दुख के साथ सबको बताना पड़ रहा है कि 10 फरवरी की रात को अचानक आग लग जाने की वजह से मेरे बेटे आर्यन की मौत हो गई है। आज शाम 4 बजे घर में एक प्रार्थना सभा रखी गई है, जिसमें उसकी आत्मा की शांति की पूजा की जाएगी। अरे अंकल संभालिए अपने आप को, संभालिए। हिमांशु ये किसी ने मजाक किया है। मेरा बेटा आर्यन तो जिंदा है, वो अपने कमरे में है। What? वही तो मैं कह रहा हूँ। आर्यन ये बड़ा मजाक किसने किया अंकल? वही तो मैं सोच रहा हूँ। आर्यन बेटा दरवाजा खोलो। आर्यन तुम ठीक तो हो ना? कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? आर्यन आर्यन क्या हुआ डैड? अरे बेटा तू तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आर्यन तू तो बिल्कुल ठीक है यार। अरे हिमांशु तू सुबह सुबह इन सफेद कपड़ों में किसी की मैयत पे जा रहा है या किसी के चौथे से आ रहा है? नहीं नहीं बेटा ये ना किसी की मैयत पे जा रहा है ना किसी के चौथे से आ रहा है। तो ये देख, ये हिमांशु जो पेपर लेके आया उसमें तेरे बारे में क्या लिखा है? मेरे बारे में? हाँ तेरे बारे में। ये देखो क्या, ये देख। What nonsense that? ये क्या है? अरे ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है? ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? मैं कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। बैठिए आप। अरे अरे आर्यन आनंद बेटा ये ले आ गया मैं। हिम्मत है तो सामने आ, कहां छुप के बैठा है? कौन है? दरवाजा खोलो। देखो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे, दरवाजा खोल दो अभी के अभी। ये कैसी आवाज है? रोल क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। सर किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा अपनी मौत की खबर देखकर। इसी के बारे में पता करने के लिए हम भागते भागते यहाँ पर आए और यहाँ के क्या? सर वो हरे रंग के ट्रक के बारे में बार बार कह रहे थे। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो भी हरे रंग का था क्या? नहीं सर वो तो लाल रंग का ट्रक था। लाल रंग का ट्रक? और इस मौत के खबर में कहीं पर भी हरे रंग के ट्रक के बारे में लिखा नहीं है। इसके बावजूद भी ये आदमी हरे रंग के ट्रक के बारे में पूछताछ कर रहा था। विवेक काजल देखो जरा और भी अखबारों में ये ऐसी मौत की खबर छपी है क्या, चेक करो। और तुम कहीं तुम तो शामिल नहीं हो इस चक्कर में? नहीं साहब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर ये रास्ता बंद है और ट्रक वाला एक्सीडेंट करने के बाद इसी रास्ते से भागा सर, और कुछ लोगों ने उसका नंबर नोट किया। उसका नंबर है MX04DD3281। गुड, काम करो कंट्रोल रूम में फ़ोन करके इस ट्रक के बारे में बताओ। सर हाँ किसी भी अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं चली। तो फिर रतन जी बताओ यही अखबार लेकर तुम डॉक्टर रोशन के पास कैसे गए जिसमें उनकी मौत की खबर छपी है? सर वाकई में मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे लगता है इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा है, ठीक से उगल नहीं रहे हैं दोनों। मैं तो दौड़ते हुए यहाँ पे आया और इसे पेपर मांगा पर इसने पेपर दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? सर ये पेपर सही करने में व्यस्त था। एक औरत खड़ी थी साहब यहाँ पे, वही पेपर पढ़ रही थी जो साहब पढ़ते थे, उसी ने मुझे पेपर दिया। कौन थी औरत? मैं नहीं जानता साहब। तुम जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता। दिखने में कैसी थी औरत? मेरे ख्याल से 25 से 30 साल की उम्र की होगी और उसने साहब बड़ा सा चश्मा पहन रखा था। 25 से 30 साल की उम्र की औरत बड़ा चश्मा पहने हुए है। हेलो हाँ इसे भी प्रतिमा। अच्छा कहाँ पर? ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। अभिजीत चारकोप में एक फैक्ट्री में आग लगी है जिसमें एक आदमी की मौत हुई है। मैं और काजल हम लोग वहां पर जाते हैं, तब तक तुम लोग यहाँ आसपास इस ट्रक के बारे में देखो कुछ पता चलता है। नंबर तो वही है, वही ट्रक है जो लोगों ने बताया था। ड्राइवर गायब है, अगर उसने जानबूझ के मारा है तो ट्रक छोड़ के कहाँ भाग गया? बच के जाएगा कहाँ, वो पकड़ा तो जाएगा ही। जी, ये एक्सीलेटर के पेडल पे ग्रीस लगा हुआ है। ग्रीस लगा है? हाँ, मतलब खूनी के जूते पे ग्रीस लगा हुआ था। हाँ विवेक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमें ट्रक भी मिल गया है। अभी तुम कहाँ पे हो? हाँ उसी के आगे थोड़ा आगे आओ। या हमें ट्रक मिल गया और विवेक को ट्रक का मालिक। सर, हाँ आइए। इस ट्रक का मालिक सर। एक बार बताओ, ट्रक कौन चला रहा था? कौन है ड्राइवर आपका? एक औरत थी सर। वो ट्रक औरत चला रही थी? कौन है वो, जानते हैं आप उसे? मैं तो उसे नहीं जानता हूँ सर। तुमने पूछा नहीं औरत को ट्रक कहाँ लेके जा रही? मैंने रोकने की कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे तरफ देखी और चली गई। वो आप मालिक हो और आपको मालूम नहीं ड्राइवर कौन है? हमारा ड्राइवर जो शंभू था सर, आज वो काम पर नहीं आया था और ड्राइवर एजेंसी वालों ने सर उस औरत को भेजा था यहाँ पर। कैसे दिखती थी वो? कोई 25-30 साल की वो रही होगी सर, और एक बड़ा सा चश्मा लगा रखी थी सर वो। अभिजीत, कहीं वही औरत तो नहीं जिसने रतन को अखबार दिया और डॉक्टर रोशन को कुचल दिया ट्रक से? हो सकता है। अब तो ये औरत हाथ आएगी तभी आगे की कहानी पता चलेगी। काजल, देखने से तो लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? तुम्हें डीजल पेट्रोल की बदबू नहीं आ रही है? हाँ सर, आ तो रही है। और ये कोई डीजल पेट्रोल का गोडाउन भी नहीं है। इसका मतलब है किसी ने प्लान करके जानबूझकर आग लगाई है। देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? क्या सर? तब तक मैं इन लोगों से बात करता हूँ। जब ये आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर, मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी और किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुमने बचाने की कोशिश नहीं की? सर, मैंने पूरी कोशिश की पर कोई आया ही नहीं। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैंने मदद के लिए बुलाया भी, लेकिन कोई आया नहीं। फिर बस ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर और उस गाड़ी के पेपर्स के जरिए ही मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया। इन लोगों को? वैसे आप कौन है? मैं हर्षवर्धन, आर्यन का पिता। आई एम सॉरी हर्षवर्धन जी। और ये कौन है? ये हिमांशु है, आर्यन का दोस्त। क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी, ये आग लगी कैसे होगी? सर, मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था, वो अपने आप को मार नहीं सकता था। ये आग लगाई गई है और उसे मारा गया है सर। किस पर शक है आपको? कोई अंदाजा है किसने किया होगा ये? जिसने पेपर में उसके मरने की खबर दी थी उसी ने किया होगा। पेपर में मौत की खबर छपवाई थी? ये देखिए। माय गॉड, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर रोशन की मौत की खबर छपी थी। ये पेपर भी उसी कलर का। आप में से कोई डॉक्टर रोशन को जानता? नहीं सर। ये पेपर कहाँ से मिला आपको? जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया तो वहाँ एक औरत ने मुझे पेपर दिया सर। औरत ने दिया? कौन थी वो औरत? मुझे नहीं पता सर वो कौन थी। अरे, अनजान औरत से आपने पेपर ले लिया ऐसे ही? क्यों? सर, उसने कहा कि इस पेपर में तुम्हारे लिए कुछ है, तो मैंने पेपर ले लिया सर। दिखने में कैसी थी वो? और तकरीबन 25 से 30 साल उम्र रही होगी और हाँ, एक मोटा सा चश्मा लगाया था उसने, बड़ा सा। बड़ी अजीब बात है, रोशन की मौत की खबर भी ऐसे ही पेपर में छपी थी और अब आर्यन की मौत की खबर भी ऐसे ही। कहीं ये दोनों मौतों में कोई संबंध तो नहीं है क्या? ये चक्कर सर यहाँ ये। ये देखिए सर, एक्स्ट्रा हड्डी सर। एक और हड्डी? हाँ, ये आर्यन की लाश की हड्डियां तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो फिर ये और एक हड्डी कहां से आ गई? यह हड्डी कहां से आ गई? है कौन ये जिसका कंकाल यहां पर है? एक बात बताओ, अगर कोई अपनी मौत की खबर किसी अखबार में पड़ेगा तो क्या करेगा? सर, वो फोन करके पता करेगा कि ये खबर छपाई क्यों। या तो वो सीधा उस न्यूज़पेपर के ऑफिस जाकर ये पूछेगा कि उसके जीते जी उसके मरने की खबर छापी क्यों। मगर डॉक्टर रोशन और आर्यन, जिनकी मौत की खबर अखबार में छपी है, इन दोनों ने ऐसे नहीं किया। डॉक्टर रोशन ने अपने नौकर की गर्दन पकड़ी और उसे वो अखबार बेचने वाले के पास लेकर गया, जहां पर एक ट्रक आया जिसने डॉक्टर रोशन को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। और सर, आर्यन गुस्से में सीधा गोडाउन में गया जहां जलने से उसकी मौत हो गई। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी खबर पढ़ने के बाद तो किसी के भी दिमाग में 500 सवाल उठने चाहिए कि किसने छापी होगी ये खबर और क्यों छपाई होगी ये खबर। मुझे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये, और इन दोनों मौतों में उसी का हाथ है। वो औरत जो वो ट्रक चलाती है, उसी औरत ने डॉक्टर रोशन के नौकर के पास वो अखबार की कॉपी दी जिसमें डॉक्टर रोशन की मौत की खबर छपी थी, और उसी औरत ने आर्यन के दोस्त को भी वो अखबार की कॉपी दी जिसमें आर्यन की मौत की खबर छपी थी। क्यों? हाँ सर, ये दोनों पेपर्स इन्हीं दोनों को क्यों दिए? एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि डॉक्टर रोशन और आर्यन के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। है सर। अब एक दोनों न्यूज़पेपर्स देख के एक बात पता चली है सर। क्या? जहाँ पे मरने की खबर छपी है वहाँ पे इंक स्याही थोड़ी फैली हुई है सर। ये देखिए, पूरे पेपर में और कहीं पे भी इंक नहीं फैली हुई है। हाँ, उन्हीं जगहों पर जहाँ पर ये मौत की खबरें छपी है। सर, ये दोनों खबरें एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छपी है सर। दोनों खबरों में लिखावट या फॉन्ट स्टाइल एक जैसी ही है सर। हाँ सर, और ये फॉन्ट आजकल के अखबारों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, काफी पुराना फॉन्ट है। हाँ फ्रेडी, अगर ये फॉन्ट पुराना है तो टाइप भी पुराना होगा, और अगर टाइप पुराना होगा तो वो मशीन भी पुरानी होगी, और जहां पर ये प्रिंटिंग मशीन है वो प्रिंटिंग प्रेस भी पुरानी होगी। हाँ सारूंगे। चलो, ये तो पता चल गया कि हड्डियां किसी आदमी की है, औरत की नहीं। हाँ बस, ये एक आदमी है और इसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास। सरुखे, तुम इसी आदमी की बात कर रहे हो ना? हाँ बस, इसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये हड्डियां आर्यन की। लेकिन सर, ये कैसे पता चला आप कि आर्यन ही? दांतों से यार, और कैसे। एक ये वाला एक्सरे इसके दांतों का मैंने घर से मंगवाया, और ये वाला एक्सरे मैंने यहाँ पर लिया। ये दोनों दांतों के एक्सरे एक जैसे हैं, मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, ये आदमी आर्यन ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन इस आदमी से मिलने गया हो, वहां पर किसी ने आग लगा दी और दोनों उसी आग में जलकर मर गए? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस आदमी को आर्यन से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला होगा, क्योंकि इसकी मौत आर्यन की मौत से लगभग 4 से 5 साल पहले हो चुकी। 4-5 साल पहले? बिल्कुल। इसकी हड्डियां देखो, काफी ब्रिटल हैं, जगह जगह से टूट फूट भी गई। मतलब जब आग लगी ये आदमी पहले ही मरा हुआ था। एग्जैक्टली काजल, ये आदमी मरा हुआ भी था और जला हुआ भी था। दरअसल इस बेचारे की जिंदगी में जलने के अलावा और कुछ नहीं था। मौत तो इसकी तभी हो गई थी जब ये पहली बार जला था, दूसरी बार तो सिर्फ इसकी हड्डियां जली। मतलब इस जगह पर 2 बार आग लगी थी। इसका चेहरा तो बना सकते हो ना सानू के? नहीं बॉस, मुश्किल है। क्यों? इसकी खोपड़ी की हड्डियां देखो, काफी टूट गई हैं। और एक बात और, इसकी खोपड़ी की हड्डी को देखने से पता चलता है कि इस आदमी के मुंह पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इसका मतलब इसका किसी ने खून किया था? बिल्कुल सर। हाँ तारिका। सर, ट्रक के अंदर से जो जूते का निशान मिला है आप लोगों को, और उसमें जो मिट्टी लगी हुई थी, इस मिट्टी में हमें इंक मिली है। स्याही जो न्यूज़पेपर छपने में काम आती है। हाँ सर। न्यूज़पेपर, इस रोशन और आर्यन की मौत की कहानी की शुरुआत भी तो न्यूज़पेपर से हुई है, ऑबिट्यूरी में से। तो सर, ये न्यूज़पेपर में खबर अलग से छापी गई थी। इसका मतलब ये लड़की जो ट्रक चला रही थी वो किसी ऐसी जगह पे गई होगी जहां पे अखबार छापा जाता है। सब कोई प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। और तो और, ये औरत या तो उस खूनी से मिली है या फिर खुद खूनी है। और सर, इस मिट्टी में से हमें पेट्रोल और डीजल भी मिला है। पेट्रोल और डीजल मिला है? हाँ सर। एक साथ। ओह, स्याही न्यूज़पेपर छपवाने के काम में आती है। प्रिंटिंग प्रेस, पेट्रोल और डीजल एक साथ, पेट्रोल पंप, गराज, प्रिंटिंग प्रेस, शहर में जरूर कोई ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस जिसके आसपास कोई पेट्रोल पंप या गराज है। पर सर ये जो आग लगी थी दो बार, सजीन आग का मामला छुप नहीं सकता। जरूर आसपास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई हो। पता लगाओ ये कौन सा पुलिस स्टेशन है। सर हेलो, कहां पर? तो ठीक है, आप वहीं पर रुके रहो। सर मुझे बचा लीजिए सर, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया सर। ये देखिए सर। हमें बताते हुए बहुत दुख होता है कि मिस्टर संजीत जो पेशे से वकील थे, उन्हें दिन दहाड़े किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनका क्रियाक्रम आज सिटी शमशान में है। उनका दुखी परिवार। ये तुम संजीत हो? हाँ सर, मेरे जीते जी कोई मेरी मौत की खबर छाप रहा है सर। यार ये तो बिल्कुल आर्यन और डॉक्टर रोशन की जैसी हुआ। डैम इट, ये गोली कब मारी? सर मैं अखबार के ऑफिस में गया था सर, पता लगाने के लिए ये गंदा मजाक किसने किया है। वहां पे किसी ने मुझे गोली मारी सर। किस्मत वाला है सर जो ये बच गया, वरना बाकी के दो तो ऊपर ही चले गए थे जिनको ये अखबार मिला है। हाँ अच्छा, तुम आर्यन और डॉक्टर रोशन को जानते हो? नहीं सर। अच्छा तुम्हारा कोई दुश्मन है? हाँ जिसने ये किया होगा? नहीं सर कोई नहीं। विवेक जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत खून बह रहा। संजीत घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इस डॉक्टर रोशन के हॉस्पिटल में जाके पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उसे। और इस आर्यन के ऑफिस में भी जाओ और देखो क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या कोई झगड़ा था क्या। सर, क्या पता चल गया क्या एड्रेस है वहां का? हाँ फाइन, थैंक यू सर। प्रिंटिंग प्रेस का पता चल गया सर, जो गैराज के पास है और काफी दिनों से बंद पड़ी है सर, अंधेरी ईस्ट में है। क्या डॉक्टर रोशन का खून हुआ है? जी हाँ। मगर सर हमें तो पता चला था कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। वो एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ खून करने के लिए एक्सीडेंट किया गया था। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, शायद उसके दिल में कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की यादें रह गई होगी, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाएगा। सर हम लोग 2006 से उनके साथ काम कर रहे थे और जब से उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर खोला था तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने अमेरिका के बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। सर मुझे तो नहीं लगता कि उनका अमेरिका में कोई बिजनेस होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी अमेरिका से कोई ऑर्डर आता था तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो साफ मना कर देते। कमाल, जो आदमी अमेरिका से यहाँ पे आया हो बिजनेस करने, वो अमेरिका के नाम से क्यों घबराएगा? सर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर वो अपने काम से काम रखते थे, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उनके। डॉक्टर साहब एक खून हुआ है, खून, और बिना बात के कोई खून नहीं करेगा, कुछ तो हुआ है। ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। ये डॉक्टर रोशन कब से काम करते थे यहाँ पे? 2006 से काम कर रहे थे सर। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने हमारा अस्पताल ही ज्वाइन किया था। वो अमेरिका से आए थे? हाँ सर, डॉक्टर रोशन एनआरआई थे और वो हार्ट के बहुत ही अच्छे सर्जन थे, दिल के डॉक्टर। एनआरआई थे और दिल के डॉक्टर भी थे? हाँ सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथों किसी मरीज की मौत हो गई हो ऑपरेशन करते करते और उसके रिश्तेदारों ने बदला ले लिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं आर्यन वहां से कोई अपराध करके आया हो? ये बात हो सकती है, लेकिन अभी तक तो हमें उसके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। आर्यन के पिता को भी उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। सर कोई मरीज तब मरेगा ना जब वो किसी का ऑपरेशन करते। अमेरिका से यहाँ आने के बाद उन्होंने एक भी दिल का ऑपरेशन नहीं किया था सर। हार्ट का सर्जन अमेरिका से आया और एक भी ऑपरेशन नहीं किया, तो फिर वो करते क्या थे यहाँ पे? एक्चुअली बात ये थी सर कि जब से वो अमेरिका से यहाँ आए थे उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। उनके हाथ कांपा करते थे और हाथों की मसल्स भी अकड़ गई थी, इसलिए उनसे कहा गया था कि वो सिर्फ ऑफिस का कामकाज ही देखें। हमें सर आप अपने कंपनी के पेपर्स दिखाइए, शुरू से लेके आज तक, रजिस्ट्रेशन से लेके आज तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब। कितने सालों से देखभाल कर रहे हो यहाँ पर? सब 5 साल से हैं हम यहाँ पर। 5 साल से? जी साहब। और 5 साल में तुमने कभी मालिक को देखा ही नहीं? नहीं साहब, कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, पगार टाइम पर मिल जाती है और क्या हमें चाहिए बस। ये पगार देता कौन है तुम्हें? ये तो साहब हमें मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि कोई ट्रस्ट इसकी देखभाल करता है। तो मालिक ट्रस्ट है क्या? ये तो हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बड़े लोगों के बड़े चक्कर होते हैं साहब। बस इतना मालूम है कि ये प्रेस किसी कंपनी के नाम पर, अब वो कंपनी बंद हो गई तो बाद में ट्रस्ट के हाथ में चली गई साहब। अब कंपनी का क्या चक्कर है साहब हमें कुछ नहीं मालूम। मालूम क्या है, पगार लेना खाली, कुछ नहीं मालूम। ये क्या है? ये मशीन तो चालू है, तुम तो कह रहे थे कि यह सब कुछ बंद है, क्यों? हमें मालूम नहीं साहब, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया सर। हाँ ये देखिए, पुराना पेपर मिला है ट्रस्ट के नाम पे, और इस पे जो दस्तखत की गई है वो डॉक्टर रोशन की है। एक काम करो, इस मशीन में पेपर डाल के देख, प्रिंट आउट निकालते हैं। मशीन ऑन करो। हाँ सर। छप गया पेपर। माय गॉड, रेडी? ये तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है, पुराना फॉन्ट। और ये देखो, स्याही भी फैली हुई है, तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है जैसे उस मौत की खबर में छपी हुई थी उस अखबारों में। हाँ सर। और फ्रेडी, यह दस्तखत डॉक्टर रोशन की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेस का मालिक डॉक्टर रोशन ही है? हो सकता है सर। एक बात बताओ, ये प्रेस बंद क्यों है? सब हमें कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना जानते हैं कि यहाँ के मालिक यहाँ से सब कुछ बेच के कहीं बाहर गांव चले गए साहब, और वहां पे कोई नया धंधा जमा लिया है साहब, बस। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अच्छा, ये पता है किसी को देखा है तुमने यहाँ पर आते हुए? किसी औरत को 25-30 साल के बीच में, जो जाड़े जाड़े ग्लासेस पहनती है? याद करके बताओ। नहीं साहब, हमारे रहते यहाँ कोई नहीं आया साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है साहब यहाँ आने की। किसी की हिम्मत ही नहीं आई? जी सर। चलो जाओ यहाँ से, कुछ मालूम नहीं, पगार लेना जानते हो। अगर डॉक्टर रोशन इस प्रेस का मालिक है, तो क्या डॉक्टर रोशन ने खुद की मौत की खबर छपवा कर अपने आप को भेज दी? वो औरत कौन है जिसने वो दोनों अखबार डॉक्टर रोशन और आर्यन को भेज दी जिसमें उनकी मौत की खबर छपी थी? डॉक्टर रोशन और आर्यन दोनों एनआरआई थे, दोनों एक ही साल इंडिया आए थे। एक सर्जन था और एक बिजनेसमैन। हाँ सर, ये दोनों के दोनों 2006 में इंडिया आए थे सर। और डॉक्टर रोशन, ये एक हार्ट सर्जन थे, लेकिन उसने कभी भी कोई सर्जरी नहीं की सर, किसी का भी दिल खोल के नहीं देखा सर। हार्ट सर्जन था और एक भी हार्ट सर्जरी नहीं? हाँ सर। सर उसका कहना था कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। ओह, हाथ में प्रॉब्लम था, अच्छा। और ये आर्यन? ये आर्यन अमेरिका से आया था सर, ये एक बिजनेसमैन था, कोई भी ऑर्डर्स नहीं लेता था, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं लेता था। क्यों? पता नहीं सर, लेकिन इसने कभी कोई ऑर्डर नहीं लिया सर। बड़ी अजीब बात है, एक हार्ट सर्जन है जिसने एक भी सर्जरी नहीं की, और दूसरा एक बिजनेसमैन है जो इंटरनेशनल ऑर्डर लेने से घबराता था। दोनों के बारे में ये चक्कर क्या है? एक काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रोशन ने मेडिकल की डिग्री पाई है, उस यूनिवर्सिटी से पता लगाओ क्या वाकई इस रोशन ने मेडिकल की डिग्री वहां पे पढ़ाई करके पाई है क्या? पता चल गया सर, डॉक्टर रोशन के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? ये देखिए सर, असली डॉक्टर रोशन नहीं है, मगर फोटो किसी और का है। हाँ सर, रिकॉर्ड्स में तो ये डॉक्टर रोशन ही दिख रहा है सर। इसका मतलब है सचिन, जिसका खून हुआ था वो डॉक्टर रोशन नहीं था, वो कोई और ही था जो डॉक्टर रोशन बनकर रह रहा था। सर, पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि जिस गोडाउन में आर्यन जल के मरा था, उसी गोडाउन में 2006 में भी आग लगी थी। 2006 में? पता चला कैसे आग लगी थी? सर, रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, अचानक बिजली कड़की और आग लग गई। अचानक बिजली कड़कने से आग लगी थी। ये रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? सर, गोडाउन के पास में एक गेस्ट हाउस है, वहां के लोगों ने ये सब देखा और रिपोर्ट कर दी। ओह, तो फिर इस गोडाउन के पास में जो गेस्ट हाउस है वहां पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि क्या उस आग में कोई मरा भी था या नहीं। कुछ साल पहले यहाँ पास में चारकोप फैक्ट्री में आग लगी थी। हाँ हाँ, बिजली कड़कने से आग लगी थी। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा ये फोटो देखिए। जैसा हमें आग लगी थी, तो क्या ये तीनों लोग यहाँ पे आपके इस गेस्ट हाउस में ठहरे थे क्या? ये डॉक्टर रोशन है, नारायण डॉक्टर। ये संजीत वकील, और ये है आर्यन बिजनेसमैन। हाँ, याद आया, ये यहाँ पहले बहुत आया करता था, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है और ना इसका नाम डॉक्टर रोशन है। फिर कौन है ये? इसका नाम प्रतीक है। ये अपने दो साथियों के साथ अक्सर आया करता था। ये दो साथियों के साथ आता था? ये इसके साथ ये दोनों तो नहीं आते थे? इतना तो याद नहीं है। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पे आग लगी थी उस वक्त आपके यहाँ बाहर के देश के लोग भी ठहरे थे क्या? हैं इंडियन, लेकिन बाहर रहते हो, एनआरआई। मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। ये देखिए, ये तीन एनआरआई उस वक्त यहाँ ठहरे हुए थे, शायद अमेरिका से आए थे। डॉक्टर रोशन, आर्यन और संजीत। जब आग लगी थी उस वक्त असली डॉक्टर रोशन, संजीत और आर्यन यहाँ ठहरे थे, और उसी वक्त ये नकली डॉक्टर रोशन मतलब प्रतीक, वो भी यहाँ ठहरा था अपने दो साथियों के साथ। काजल, मुझे तो लगता है ये तीनों चोर होंगे, नाम बदल के रह रहे होंगे। सर, अगर ये तीनों चोर हैं तो इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे रिकॉर्ड्स में जरूर होगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो धक्का लगा है सर, ये सुनकर कि मेरा रोशन असली रोशन नहीं था। धक्का तो हमें भी लगा था, लेकिन आप तो शादी करने निकली थी उसके साथ। जी हाँ सर, बच गई मैं। हाँ, बच तो गई, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ जानती होगी। नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। तो क्या बिना जाने उससे शादी करने निकली थी? सर, मैं तो अभी मिली थी उससे 6 महीने पहले। उसने बताया कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। जितना उसने बताया मुझे बस उतना ही पता है। उसका कोई दोस्त था जिसके बारे में तुम जानती हो? हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा तो उसका और कोई भी दोस्त नहीं था। चलो कोई बात नहीं। और आप हर्षवर्धन जी, आर्यन के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो खुद हैरान हूं जब से आप लोगों से पता चला है कि आर्यन मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और था। मतलब आप दोनों भी अंधेरे में थे। ये क्या है? ओहो, तो ये बात है। सर, आप रेडी? ये देखिए सर। विकी, प्रतीक और भुवन, तीनों के तीनों चोर, और वो भी जाने माने चोर। चेहरा कोई और नाम कोई और। एक मिनट, विकी के पिता का नाम? ओह, अब आया समझ में। आर्यन के पिता हर्षवर्धन, तुम्हारा बेटा एक चोर था, चोर। और तुम भी। What nonsense? हाँ, तुम भी। तुम एक भाड़े के बाप हो, भाड़े के। विकी के पिता का नाम प्रताप था, हर्षवर्धन नहीं, समझे? बताओ क्यों किया तुमने, क्यों किया, जल्दी बताओ। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे, पैसों के। और आप अनन्या जी, जिस डॉक्टर रोशन से आप शादी करने वाली थी, उसका असली नाम था प्रतीक। प्रतीक? हाँ, प्रतीक। आप तो कह रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसका एक साथी है, अब भी है, और उसका नाम है संजीव। विकी, प्रतीक और भुवन मतलब आर्यन, डॉक्टर रोशन और संजीत। अब ये संजीत बचा है, इसी से असली कहानी सुनते हैं। खासा मैं संजीत के साथ ही हूँ सर, वो अब ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसके पास ही रहूँगा। ठीक है सर, मगर हुआ क्या सर? क्या चोर है? ओके सर, या कुछ पता चला सर मुझ पर हमला किसने किया था? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चलने वाला। ठीक है सर, पता चल जाएगा तो मुझे बता देना। मैं अभी ठीक हूँ, मैं घर जा रहा हूँ सर। नहीं नहीं, तुम अभी तक ठीक नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। चलो अब चुपचाप ले जाओ। नहीं सर, मुझे घर जाना है। नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं घर? क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। क्या मतलब? मतलब संजीत और भुवन, तुम एक चोर हो और संजीत के नाम से रह रहे हो, समझे? बताओ असली कहानी क्या है। कौन भुवन? मैं किसी भुवन को नहीं जानता, मेरा नाम संजीत है। संजीत वंजीत अब भूल जाओ, समझे? अब सच बोलने का टाइम आ गया। क्या हुआ था वहाँ हाईवे गेस्ट हाउस में? गेस्ट हाउस? कौन सा गेस्ट हाउस? ये कौन सी जगह है? ये अच्छी जगह नहीं है। कुछ हुआ था वहां। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भुवन कौन है? मैं हूं सर। और क्या हुआ था उस रात वहां? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप तीनों भी दोस्त और हम तीनों भी। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसे ख्यालों के लोग मिले। भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग तो अभी भी दोस्त बने हैं। आप तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पुराने दोस्त। पुराने? अजी ये कहिए लंगोटिया यार है, वो भी बचपन से। लेकिन आप लोग नए कैसे? हम लोग एक ही फ्लाइट पे आ रहे हैं अमेरिका से। आपने बताया नहीं आप करते क्या? मैं एक बिजनेसमैन हूं, यहाँ पर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर हम तीनों यहाँ पर नए हैं तो कोई हमें जानता नहीं। और आप क्या करते हैं? मैं सर्जन हूँ। ओह, हार्ट सर्जन। अमेरिका में तो मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चाहता हूं कि अपने देश वालों के लिए भी कुछ करूं। और आप? जी मैं एक लॉयर हूं, मैं एक लॉ फॉर्म में काम करता हूं। यहीं सेटल होना चाहता हूं। वापस जाने का तो मन ही नहीं करता, बहुत पैसा कमा लिया। सोच रहा हूं कि अब यहीं पे रह के कुछ करूं। उन लोगों ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था हमें, यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था उन्हें। जो भी कोई था वो अमेरिका में ही था। हम लोगों के दिल में पाप आ गया था, सोचा इन लोगों को मार के इनकी जगह ले लेंगे, पुलिस भी तंग नहीं करेगी। इसलिए हम तीनों ने प्लान बनाया, एक एक करके तीनों को मार देते हैं। बस उस रात यही हुआ था हाईवे गेस्ट हाउस पर। उसके बाद तुमने विकी और प्रतीक के साथ मिलकर डॉक्टर रोशन, आर्यन और संजीत का खून कर दिया, अलग अलग जगहों पर। हाँ सर। उस टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ जो उन्हें वहां गेस्ट हाउस में लेके आया था? उसने किसी को कुछ बताया नहीं? हमने उस टैक्सी वाले को ढूंढकर उसे कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया, और फिर उसके साथ मिलकर एक झूठे एक्सीडेंट का नाटक रचा। झूठे एक्सीडेंट का? कैसा झूठा एक्सीडेंट? टैक्सी वाले ने पुलिस वाले को बताया कि उसकी टैक्सी एक गहरी खाई में गिर गई और वो किसी तरह कूद कर बच गया। और पुलिस ने इस बात की छानबीन नहीं की? छानबीन की, लेकिन टैक्सी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गहरी खाई होने की वजह से लाशों का पता नहीं चला, और यही खबर उनके घर वालों तक पहुंच गई अमेरिका। ऐसा भी होता है दया, देखा? वाह रे वाह। तो फिर सर वो कौन है जिसने डॉक्टर रोशन यानी प्रतीक और आर्यन मतलब विकी, इन दोनों का खून किया और इसे जान से मारने की कोशिश की? जरूर उन तीनों में से किसी का रिश्तेदार है जो इन तीनों की करतूतों को जानता है। मगर सर वो है कौन, ये कैसे पता चलेगा? काजल, डॉक्टर रोशन की एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, बंद पड़ी हुई? हाँ सर। इसका मतलब है सर वो जो कोई भी है वो डॉक्टर रोशन के आसपास का कोई आदमी है जिसे ये मालूम है कि डॉक्टर रोशन की एक प्रिंटिंग प्रेस है जो बंद पड़ी है, और उसे ये भी मालूम है कि ये तीनों जब कोई अखबार उठाते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। और उसे ये भी मालूम है कि ये खून इन तीनों ने ही किए हैं। सर हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले थे, वो भी अचानक, और खून के बारे में तो हमने किसी से बातचीत नहीं की थी। कब मिले थे? एक चैरिटी फंक्शन में। तो शायद वहीं पर किसी को शक हुआ होगा तुम पर सर। वहां तो बहुत सारे लोग थे। वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो फिर उन बहुत सारे लोगों को एक खत लिख दो कि तुम जानते हो विकी और प्रतीक का खूनी कौन है, और अगर वो चाहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, सीआईडी वालों को ना बताओ, तो वो तुमसे आकर वहां पर मिले जहां पर मौत की खबरें छापी जाती थी, डॉक्टर रोशन के प्रिंटिंग प्रेस पर। तुम? हाँ, मैं। खुशी हुई मुझे देखकर या नहीं? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपना हिसाब बराबर करने के लिए। कौन सा हिसाब? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे होने वाले पति डॉक्टर रोशन को मारा था, और वो प्रतीक डॉक्टर रोशन बनकर घूम रहा था। पर तुम प्रतीक को तो मार ही चुकी हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। नहीं, मेरा बदला तो अब पूरा होगा जब मैं तुझे तेरे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी। प्लीज बदले की आग इतनी भड़की हुई है कि खून के ऊपर खून करती जा रही है। हाँ? माना कि इसने गुनाह किया है, मगर तुम्हारा बदला लेने का तरीका भी गलत है। कानून सजा देगा इसे। अगर कानून सजा दे सकती थी तो ये इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ऐसे लोगों को सजा देने का यही तरीका है। तुम्हारे भी सेक्रेटरी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए बदला लेने का इंतजार कर रही थी मैं। मगर तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? मैं संजीत की बीवी हूँ, जिसका इसने खून कर दिया है, और अब ये संजीत बन के घूम रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को पता कैसे चला कि नकली संजीत कहाँ पर छुपा है? हमें अनन्या ने बताया। हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था और इन तीनों को भी। तभी हमें पता चल गया था कि सच क्या है। और फिर एक एक को ऐसे ही मारने का प्लान बनाया था जैसा कि लोगों ने रोशन, आर्यन और संजीत को मारा था। मतलब ये सारा प्लान तुम तीनों ने ही बनाया इन्हें मारने का? हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। हमने उन दोनों का खेल तो खत्म कर दिया था, तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे सीआईडी के सामने मारूंगा। बस बस बस, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, कोशिश करना भी बेकार है, समझे? चुपचाप अपनी गन फेंक दो, ले लो गन। ये तो बहुत नसीब वाला निकला सर, इसकी वजह से इन लोगों की किस्मत खराब हो गई। अगर ये नहीं बचता तो शायद तुम लोग कुछ दिन और हमसे बचे रहते हैं। दो दो खून किए तुम लोगों, दो दो खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।